मैं फिजा से पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ना, आपको चूज करना है, आप अपनी मर्जी से ये सब चीजें चूज कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके ऊपर आपको सूट करती है। सो फिजा जो है वो हमें बताएगी आपकी किचन से कोई चीजें, कोई ऐसी टिप्स जो आपने अपनी जिंदगी पे अप्लाई की हो। मेरी फैमिली में शुगर पेशेंट सारे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी शुगर हो जाती है, और कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा मेरी फैमिली में मेरी अम्मी को था, मेरे खाला को था, मेरे फूफो को था, और मेरे अब्बू को था, बड़े वाले, और अभी फिर मेरी बहन जो है जो दुबई में रहती है उनको भी शुगर हो गया, और फिर उनका जो छोटा बेटा है उसकी जवानी में डेथ हो गई, स्कॉलरशिप मिली कनाडा में तो उसके वाइट सेल्स खत्म हो गए थे, उसको भी कैंसर था, शुगर भी थी, तो छोटे बचपन से उसको शुगर चली थी। तो हम लोग बहुत एहतियात रखते हैं, स्पेशली मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं एहतियात रखती हूँ। तो अम्मी हकीम थी, तो अम्मी कहती थी कि जो कुछ भी खा रहे हो ना वो खाना ही होता है, तो उसमें ये जो रोटी है और ये जो चावल है इसकी मिकदार तब अपने जिस्म में उसकी कमी को पूरा करो जब तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो कि नहीं तुम्हारी बॉडी को तलब है, तुमने खाना है तो तुम खा रही हो। तो हमारे घर में अगर जैसे मैं पराठा खाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैंने पराठा खाना है, तो मैं देसी घी का पराठा खा लेती हूँ, घर के मक्खन का पराठा खा लेती हूँ सुबह, और अंडा ज़रूर खाती हूँ मैं नो मैटर डेली रूटीन में, तो मैं योग ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कुछ काब आपके पेट में जाना चाहिए। अगर आप गंदम के थ्रू नहीं ले रहे हैं तो इस तरह, अब जैसे जूसेज है, लोग जाते हैं ना कि यार ड्राइव पर निकले यार फ्रेश जूस पियेंगे फ्रेश हो जाएंगे, तो हमारी अम्मी हमेशा से कहती थी कि जूस भी अगर निकालना है उसके साथ उसके जो जैसे छिलके हैं सेब के तो वो भी थोड़े से ग्राइंड हो जाएं, वो भी मिक्स हो जाएं, कोई और ऐसे आपने अगर फल खाने अमरूद वगैरह ये वो तो उसको भी ग्राइंड कर दिए, ये नहीं कि उनको बिल्कुल, हाँ उनका भूसा निकाल के फेंक दिया तो उसका रस निकाल के पी लिया, वो बड़ा नुकसानदेह होता है, उससे इंसुलिन बढ़ती है, उससे शुगर आपकी बॉडी में बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अगर आप उसको ग्राइंड करके पी लें, यहाँ मैं फिजा की बात पिक करूँगी, यानी कि आप ब्लेंडर में अगर वो फ्रूट ब्लेंड कर रहे हैं उसको स्मूदी सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन निदा, ये हमने अपनी प्रैक्टिस बना ली है कि सेब खाना है तो उसको छील के खाना है। क्यों खाना है? कुदरत ने जो उसका शेल बनाया है उसमें एक ऐसी चीज रखी है जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, यानी जैसे ही वो आपके जिस्म में जाता है और एकदम से आपको शुगर प्रोवाइड करता है, दैट इज वेरी रिस्की फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू। और अगर आप उसको उसके शेल के यानी उसके छिलके समेत खाते हैं तो उसके अंदर एक खासियत है कि वो आहिस्ता 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 शुगर रिलीज करता है। ये जो हमारी नानियाँ और दादियाँ हमेशा कहा करती हैं खिचड़ी पे घी डाल के खाओ, कहते हैं ना, बिल्कुल वो हमने कभी कौन ये खाएगा, हम हमेशा पुरानी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खिचड़ी का अब सिर्फ अगर खिचड़ी खाएंगे तो उसमें शुगर ही शुगर है, बिल्कुल उसके ऊपर वो घी डाल के खाते हैं तो उसका इतना बैलेंस आ जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है जो आपकी बॉडी में जाता है आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज करता है, वो कभी आपका इंसुलिन लेवल हाई नहीं करेगा। क्यों कहते हैं आपको कि आम के साथ हमेशा दूध या लस्सी पियो, उसकी रीजन है हमने अपनी चीजें खत्म कर दी, छोड़ दी। बाजरे का एक जमाने में सर्दियां होती थी, बाजरे की आटा की रोटी बनती थी, मलीदा बनता था, सब छोड़ दी, बेसन फैशन ले आओ, कैन के डब्बों के वो ले आओ बाहर से, वो खाते हैं वो वाले फल ले आओ, नहीं हमारे अपने बेर किधर है, अब कोई नहीं खाता, बेरी चाहिए बेरी, भाई बेर हमारे बेरी हैं, अब बस आधी हम चिट्टा आटा खा रहे होते हैं, जब हम गंदम के अच्छे दाने रख के हम फ्रीज जो है ना उसको, हम अच्छे गंदम के दाने रख के भी ना अपनी पिसवा सकते हैं, मगर नहीं हम भी जखीरा चीजें ये सब नहीं करते। तो एनीवे जो चाय है वो मैं दूध पत्ती नहीं पीती, चीनी तो मैं लेती नहीं हूँ किसी भी तरीके से, हाँ छोटी मक्खी का शहद अगर बहुत दिल कर रहा है तो मैं ले लेती हूँ, या फिर तुम्हारे पास है ना इसकी, अच्छा हाँ अगर आप नहीं बना सकती तो आप इनकी प्रोडक्ट खरीदे, बेरी तुम यहाँ से क्या बेचती हो अक्सर, चाय है, स्लिमिंग टी है और बेरी का, हमारे घर में आसिफ को पीनी होती है वो लाजमी, अच्छा फोन कर करके मंगाता है बदतमीज खरीद लो भाई। अच्छा दूध पत्ती को मिक्स करके चाय कभी नहीं पीते हम लोग घर पे, हम दूध अलग और चाय की पत्ती जो है उसको अलग, थोड़ा सा कावा बना के बाद में उसको आपस में मिक्स कर लेते हैं, मगर जो चाय बनाते हैं जो जहर हम बनाते हैं दूध पत्ती और चीनी और उसको गाढ़ा कर करके गाढ़ी चाय पीते हैं वो मैदा बड़ा खराब करती है। दूध पत्ती और चीनी मिलाने से क्यों जहर बन जाती है? नॉट ओनली मैदा खराब करती है, पाकिस्तान की ही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ रिसर्च हुई है ये कि ये जो ब्लड को है उसको थिक करती है ये वाली चाय। Really? जी
अच्छा आप देखें, आप अमेरिका चले जाएं, आप ऑल ओवर द कंट्री ट्रैवल करें, कहीं पर भी ना इस तरह की चाय नहीं मिलती जिस तरह की चाय हम पीते दूध पत्ती हम अपने चाय वाले को मशहूर कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द वे. सिर्फ लंदन में एक बात थी कि एक लंदन में बस अभी ये हैरिट्स में हो गया, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गई, वहाँ पर ये वाली दूध पत्ती चाय अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आई है, बट वो भी दूध चाय वाला बड़ा मशहूर हो गया, नीली आंखों वाला. फिर भी उनकी भी जो दूध पत्ती है ना वो सेपरेट ही बन रही है, वो ये वाली नहीं है जो हम. अच्छा, हम दूध को भी इतना गाढ़ा पहले काढ़ काढ़ के ना कढ़ाई में, जैसे कड़ा हुआ दूध नहीं होता जब तक वो ना हो तो फिर हम कहते नहीं अब दूध की चाय नहीं रंग आबादी यही वाली चाय पीती है बेटा. बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन नहीं, उस चाय को बताना चाहिए. चाय पिए, चाय में आप हर्ब्स डाल दें, आप अदरक डाल दें, देसी अदरक डालें, आप उसके अंदर मसाले डालें, आप सिनेमन पाउडर डालें उसमें. चाय में तो मैं कहती हूँ हल्की सी उबालते वक्त हल्की सी हल्दी भी डाल दें, हड्डियों के लिए बड़ी अच्छी है, जिस्म के लिए अच्छी है, वेट लॉस के लिए अच्छी है. ये सारी चीज़ें किचन में जितने मसाले रखे हैं ना, मैं कहती हूँ सब अच्छे, लाल मिर्चों को छोड़ के सारे मसाले काम के सारे अच्छे. और आप जो खाते हैं वो खाना है, ये रोटी चावल ये खाना नहीं है. आपने गाजर भी उठा के खा ली, वैसे गाजर भी हम नहीं खाते ज़्यादा क्योंकि हम लोग की फैमिली में शुगर है, तो हम गाजर बहुत ज़्यादा फल इसकी इनटेक नहीं लेते और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी फल नहीं लेते क्योंकि हम सबका इंसुलिन बढ़ जाता है. तो हम सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे फलाल का भी मैं बताई थी, फलाल को बाहर के खाने की आदत है ही नहीं, वो आपको मैंने वीडियो भी दिखाई थी कि फलाल बाहर का कोई खाना नहीं खाती, चाहे फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, ये फूड हो, वो घर के खाती है, टिंडे खाती है, सब्जी खाती है, उसको खीरे को पानी में. और हाँ, आप मेरे 3 एक्सपीरियंसेस है, मेरे 2 वाले मतलब मुझे इतनी अकल नहीं थी उस वक्त, और मेरा 3रा वाला बच्चा ब्रोकली भी खाता है, टिंडे भी खाता है, मशरूम भी खाता है, हर चीज खाता है. वो देखते ना माँ बाप क्या खा रहे हैं, आप डाइट कर रही होंगी, वो आपको देख के फिर वो कॉपी करते. नहीं भाई, वो तो मैं तो नहीं खाती ब्रोकली, बहुत बदतमीजी, बहुत हेल्दी चीज है, मैं तो नहीं, मैं टिंडे खाती हूँ. लेकिन आपने सोचा होगा ना माइंड में कि मैं, हमने शुरू से उसको खिलाया है, वो सिर्फ मिर्चे नहीं खा पाता. लेकिन वही वाली बात है, आप बच्चे को जिस तरह ढालोगे वो वैसे. अच्छा, जरूरी नहीं जो लोग हमें देख रहे हैं कि ब्रोकली अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसकी आप क्योंकि वो कहीं गोभी खा ले, बहन भाई खाएं, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म ये है कि सफेद गोभी हमारे पालक बड़ी अच्छी चीज है सब्जियों में, रोज अगर देसी मिले तो बिल्कुल. और अच्छा, तीसरी चीज ये कि पालक को जो है ना उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पालक में होती है पथरी. बहुत से लोगों को पालक खाने का शौक है, बहुत ज्यादा उनके घर में बनती है, बहुत से उनके जो घर के लोग हैं वो पथरी का शिकार हो जाते हैं. तो पालक को उबालें, उसको छानें, फिर उसको जिस तरीके से पकाना है पकाओ. पालक वैसे दूध में उबाला करें. ओए हजाय के दौर पालक. अच्छा जी, वाह, ऐसा लग रहा है ज़बैदा तारिक से बात कर रही हूं मैं, माशाल्लाह. तो ये सारी चीजें. फिर मछली का बड़ा अच्छा इस्तेमाल, हम लोग तो वैसे ही आधे बंगाली टाइप हैं, तो वो हम लोगों का मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है, रहू, पॉम्फ्लेट, छुटकी, हाँ सारी चीज़. कैसे फ्राई करके खाती हूं मैं, मसाला लगा के भी खाते हैं. और हमारे जो मसाले हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे अगर मुझे अब मुझसे ऐसे भी अभी पूछे तो मैं आपको मछली का मसाले लगी हुई ऐसी तली हुई मछली वो कैसे ऐसी रेसिपी बताऊंगी, 5 मिनट में आपका दिल करेगा कि बना के खा लें. हमारा कर गया दिल, कर गया ना, आपकी बात लहराइएगा. मैं आप लोगों को सबको ऐसे दावत खिलाऊं. डॉक्टर क्या कहोगी कि सबसे अच्छा मुफीद मीट कौन सा है बॉडी के लिए? मछली ऑब्वियसली, लेकिन अगर मछली जाहिर है बहुत बजट्स और उसके, तो फिर ठीक है, फिर आप देसी मुर्गी ले लें. देसी मुर्गी भी अब तो बहुत महंगी हो गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि रेड मीट का आप गाय खाए ना, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चीज जो रेड मीट पे है वो व्हाइट मीट में कभी नहीं हो सकती. अच्छा, मैं दूध नहीं पीती, मैं दूध का ऑल्टरनेट दही खाती हूँ. मैं दूध नहीं पीती, जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे फलाल को दूध की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे मैं पिलाती हूँ 4-4 गिलास, 5-5 गिलास जितना उसका दिल करता है, वो भी मगर उसको पानी मिक्स करके थोड़ा पानी, ज्यादा दूध, वो दूध बहुत ज्यादा पीती और सब्जियां खाती है, पानी मिला के डाइल्यूट करके दे देती. अच्छा, तो सही है, तो वो ना उसको मिक्स करके इस तरह से. कद लंबे होते हैं बच्चों के, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों के, वो भी चीनी नहीं लेती ना शुगर लेती. हां जी, सुने भाई, डॉक्टर साहब ने 3 ग्लास दिए एक जमाने में. हां, एक जमाने में मैंने सुबह दोपहर शाम दिए 3 ग्लास. नहीं, लेकिन जो 2 एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे को देख के कहा ना, हां जी, नहीं वो उनकी बात ही, वो दूध भाई. एक बात सुने, दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है गोरिल्ला. वो कभी जिंदगी में दूध नहीं पीता, फिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? ओह कम ऑन, फिर ऐसे तो देखे देखे दूध पीने से सफेद होते हैं, तो फिर गाय का बच्चा क्यों सफेद नहीं होता? फिर ऐसे सवाल तो ना करें. दूध पिए बहुत अच्छी डाइट है, ऐसे सवाल तो मत करें. मगर अब ये तो कोई बात, ये लॉजिक ना दे. हां, आप मतलब सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.